एग्जाम्पल नंबर टू है, शो दैट द सेट विच इज सबसेट ऑफ V3 स्पेयर V3। एक सेट गिवन है जिसे हम S नाम दे देते हैं। शो करना है कि ये V3 वेक्टर स्पेस को क्या करेगा, स्पेन करेगा। V3 का मतलब इसमें ट्रिपलेट टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं और ट्रिपलेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल होंगे। तो या तो मैं क्या शो कर दूं, L ऑफ S इक्वल होगा V3 के, या तो ये शो कर दूं, या फिर मैं ये शो कर दूं कि V के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, S सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। आर्बिट्रेरी को लिख दिया तो सभी को लिख पाएंगे, तो दोनों एक ही बात है, चाहे ये इक्वल ले आओ चाहे वो शो कर दो। अगर ये चीज शो करना चाहते हैं तो इसमें तो हमें पता ही है कि L ऑफ S सबसेट तो होगा V3 का, बस दोनों को इक्वल लाने के लिए क्या शो करना है, V3 है वो सबसेट हो जाए LS का। मीन V3 के हर एक एलिमेंट को किसका बना दें, LS का, और V3 का हर एक एलिमेंट LS का कब होगा, जब V का हर एक एलिमेंट है वो S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। तो दोनों डेफिनेशन सेम ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, V3 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेती हूँ, XYZ मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे XYZ तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर। एज्यूम कर लेते हैं कि XYZ को मैं क्या लिख सकती हूँ, S सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इन स्केलर्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये स्केलर्स फील्ड के अंदर से आ जाते हैं, मीन ये स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, रियल नंबर आ जाती है, तब तो हम इस आर्बिट्रेरी वेक्टर को S सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो यहाँ XYZ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A 2A 3A प्लस 0 B 2B प्लस 0 0 C। तो यहाँ वैल्यू ऐड करेंगे तो आएगा A प्लस 0 प्लस 0 मीन A 2A प्लस B प्लस 0 फिर 3A प्लस 2B प्लस C और इक्वल होगा ये XYZ के। दोनों तरफ हम इक्वेट कर देते हैं, A की वैल्यू इक्वल होगी X के, 2A प्लस B की वैल्यू इक्वल होगी Y के। A की वैल्यू ऊपर X निकाल ली है तो 2X प्लस B इक्वल टू Y, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी Y माइनस 2X। Z इक्वल टू होगा 3A प्लस 2B प्लस C, यहाँ से A की वैल्यू पुट करेंगे हम X, B की वैल्यू ये है इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2Y माइनस 4X और प्लस C, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी Z, ये माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस का x जो इस तरफ आएगा तो प्लस का x, माइनस का 2y, तो ये c की वैल्यू। तो यहाँ जो ये a, b और c की वैल्यू आ रही है वो XYZ के टर्म में आ रही है, और XYZ खुद क्या है, रियल नंबर है, तो ये आंसर भी क्या आएंगे, रियल। मीन जो हमने स्केलर की वैल्यू निकाली है वो फील्ड के अंदर से आ गई। मीन ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम XYZ को क्या लिख सकते हैं। तो किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को अगर मैं ऐसे सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, तो इसका मतलब हर एक वेक्टर को लिख सकती हूँ, हर एक वेक्टर को लिख सकती हूँ, इसका मतलब S सेट क्या करेगा, स्पेन करेगा V को।